अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और बताएं, मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, व्यूज़ भी मुझे आ रहे हैं बहुत अच्छे से। मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो बहुत अच्छे से शौक से देख रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक हल्का फुल्का सा बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं बनाना बता रही, अभी मैं हल्के फुल्के स्टार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से जो है आप लोग बना पाएँ और सीखें। तो व्यूवर्स, ये जो डिज़ाइन है ये भी बहुत आसान है। ये इसमें जो है मैं आप लोगों को चेस्ट के ऊपर जो है बहुत सारी प्लेट्स का काम करना सिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने एक 12 साल की बच्ची की कमीज़ का लिया है मैंने कपड़ा, और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने अपने हिसाब से उसके साइज़ के हिसाब से मैंने निकाल ली है। और ये वाला जो है कपड़ा जो है मैंने तकरीबन जो है ये देखें डबल में कि ये मैंने 7.5 यानी कि 15 इंच ज़्यादा रखा है आगे वाला हिस्सा। तो पीछे वाला हिस्सा ये है और आगे वाला जो है मैंने चौड़ाई में 15 इंच ज़्यादा लिया है। लंबाई दोनों की बराबर है। तो चलिए पहले पैटर्न बना लेते हैं। तीरा इसका मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने इसका 15 इंच रखना है। बच्ची थोड़ी हेल्दी है तो इसी हिसाब से मैं ये इसका पैटर्न तैयार करूँगी। 15 इंच तीरा रखा है तो इसमें मैं 2 इंच मिलाते हुए कंधे का निशान लगाऊंगी, और ये 1 इंच लेते हुए इसकी गोलाई करेंगे, और यहाँ से ये 1 इंच की इसकी, यहाँ से 1 इंच की इसकी शोल्डर की तिरछ लेंगे। चेस्ट हमें इसकी 18 इंच चाहिए, तो हम 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। और कमर का इसका मुझे 6 इंच नीचे लेना है, तो ये 6 इंच नीचे आ रहा है, 6 इंच नीचे। और 18 अगर इसकी चेस्ट है तो हम 16 इंच इसकी कमर का रखेंगे। सीना जो है इसका हमने 18 इंच रखा है, और 2 इंच कम करके कमर का निशान लगाया है, और जितना सीना था उससे हमने 1 इंच ज़्यादा करके हिप का निशान लगा लिया है। सीना हमारा 18 था और ये हमने 19 पे हिप का निशान यहाँ पे लगा लिया है, और इसको हमने इसके साथ मैच कर दिया है। ये सिलाई वाला निशान है और ये कटिंग वाला निशान है। तो आइए कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जो है वो मैं आप लोगों को इसका तरीका बताती हूँ कि ये आगे का हिस्सा जो हमने 15 इंच ज़्यादा रखा है उसको हमने प्लेट्स का काम करने के लिए क्या करना है, और किस तरह से इसकी कटाई लेनी है, और किस तरह प्लेट्स का काम करते हुए हमने इसको जो है इसकी बैक साइड के हिसाब से पूरा करना है। ये हमने कटिंग कर ली है, ये हमने इसका सिलाई का निशान लगा लिया था। अब व्यूवर्स देखें, ये शर्ट पीस है आगे पीछे का, ये है आगे का। अब हमने इसके यहाँ से गले का निशान लगाते हुए एक कट लगा लेना है। गला हम इसका 3 इंच चौड़ा रख रहे हैं। व्यूवर्स, यहाँ से 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। गले की चौड़ाई में 3 इंच रखना चाह रही हूँ। ये देखें, ये बैक साइड वाला जो कपड़ा है उससे मैंने निशान लगाया है। ये फ्रंट साइड का है, ये तो बहुत बड़ा रखा हुआ है मैंने 15 इंच, तो यहाँ से नहीं, इस जगह से लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कट लगा लेना है, ये देखें इस तरह से, और पीछे वाले गले को कटिंग भी कर लेना है अपना मतलूबा, जितना आप लोगों के हिसाब से आपको पसंद है उतना। ये पीछे का गला मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे एक आगे वाले हिस्से में एक निशान लगा दिया है, बराबर ये शोल्डर बराबर आ जाए। उसके बाद इस वाले हिस्से को मैंने उठा देना है। अब ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर से हमें यहाँ पे 0.5 इंच या 1 इंच, मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, 1 इंच से सीधी लाइन निकालनी है इस तरह से, इतनी। और तकरीबन ये जितना आप लंबा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, अगर कमर तक चाहिए तो कमर तक चले जाएं, अगर आपको कमर से छोटा चाहिए तो छोटा, मैं ये यहाँ पे 12 इंच ले रही हूँ, तो 12 इंच तक मुझे यूँ और इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से यूँ सीधा कट कर देंगे, इसके अंदर से कपड़ा निकाल देंगे।
ये देखें इस तरह से 12 इंच तक हमने इसको कट कर लिया है। ये कपड़ा हमने निकाल देना है और इस जगह पे मिड में हम एक छोटा सा इस तरह कट लगा लेंगे। दो व्यूअर्स, इसको हमने यूं कर लेना है इस तरह से बिछा के, ये देखें इस तरह से आया। अब व्यूअर्स ये आगे का हिस्सा है, वो पीछे का हिस्सा था। इसमें हमने यहाँ तक प्लेट्स का काम करना है इस तरह से, ये देखें व्यूअर्स ऐसे। जितना आप जो है बड़े प्लेट दे सकें या छोटे, जितने आप पसंद करते हैं उतने। अगर आप चाहें तो इस जगह पे यहाँ से लेकर इस जगह पर आप बड़े टांके की दो सिलाइयाँ लगाते हुए आप इसको चुनट भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लेट्स का काम करना है तो इस तरह से मैं ये प्लेट्स, ये देखें इस तरह से यूँ रखूँगी। ये इसका मिड है, दरमियान का हिस्सा है, तो ये प्लेट्स मैंने सारी इस तरफ दी हैं। इस तरफ के कपड़े की मैं सारी प्लेट्स इस तरफ दूंगी, तो वो ऐसे। इसको लगाते हुए हम पीने लगा लेंगे। और ये इस तरह से देखें, चार प्लेट्स हमने इस तरफ लगाई हैं और चार ही हमने इस तरफ लगाई हैं। ये देखें ये यूं आ गया है, ये आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरह से। अब ये जो इसका बीच का हिस्सा खाली रह चुका है, इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है मेहरून कलर का, इतना लंबा, और उस पर मैंने लेस का काम किया हुआ है। व्यूअर्स, ये मैंने प्लेट्स का काम करने के बाद इसमें पीने लगा दी हैं, ताकि आप लोगों को देखकर जो है समझ में आए कि इस तरह से हम पीने लगा के आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये पीने लगाने के बाद आप यहाँ पे एक सिलाई लगा लें, और उसके बाद जो है आप ये जो मैंने इसका जो खाली छोड़ा इसमें एक मैं गला बना के लगा रही हूँ, वो मैंने ये एक जो है वो प्लेन कपड़ा मैंने इसके साथ मैच करके लिया है। तो व्यूअर्स, इसका मैंने जो है ना इसके हिसाब से ये पीस जो है मैंने काट लिया था, और इसके मैंने ये कंगूरी का कान बना लिया है। अब मैं इसको इस तरह से यूँ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से आराम से इसको स्टिच कर लूँगी, ये देखें इस तरह से। और व्यूअर्स, ये बीच में खाली लग रहा है, तो उसके लिए ये मैंने बटन पट्टी इसके बॉर्डर की तैयार कर ली है, और इसको मैं यूँ रखते हुए भी जो है इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और अगर मज़ीद तो इस तरह इसमें भी हम इस तरह कंगूरी का काम कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से इसमें कंगूरी लग सकती है और ये बहुत खूबसूरत बनेगा। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी कटिंग की, और मैंने जो है इसको थोड़ा बहुत आपको सेट करके भी दिखा दिया है कि ये किस तरह से सिलेगा। तो व्यूअर्स, जो आज ये मैंने वीडियो बनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप ज़रूर बनाकर इसको पहनेंगे और मुझे भी बताएंगे कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और ये बात भी है कि आपने अगली वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार भी करना है, मैं दूसरी वीडियो इंशाल्लाह जल्द लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कुछ नया। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।